तो सिवनी जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। आलम यह है कि बीते 15 दिनों के दौरान 14 चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस चोरी जैसे वारदातों का भी खुलासा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। जिले के लोगों में दहशत है और वह पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठा रही है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो इस दौरान चोरी के लगभग 100 के आसपास मामले पुलिस ने दर्ज किए, लेकिन चुनिंदा मामलों को छोड़कर किसी का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस ने जिन चोरियों के खुलासे भी किए हैं उनमें FIR में दर्ज रकम के मुताबिक बरामदगी भी नहीं कर पाई है। चोरी करने के बाद बदमाश आराम से गायब हो रहे हैं। पुलिस सिर्फ लकीर पीटने का ही काम कर रही है। पुलिस के इस अंदाज से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हम लोग LIC एजेंट हैं, हमारी मिसेज टीचर हैं, वो हम दोनों रोज की तरह रूटीन की तरह 10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और 4:30 बजे आते हैं। कल 10:30 बजे हम निकले, सब जब 4:30 बजे आए तो यहाँ देखे तो ताला टूटा था और 30 से 35 लाख के बीच में कैश सहित हमारा चोरी हुआ। कल मैं निकल गई अपने रूटीन के हिसाब से, घर से 9:30 बजे मैं कल निकल चुकी हूँ और शाम को लगभग 4:45-5 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो देखा तो ताले टूटे हुए थे मेरे घर के। अंदर जाके देखा तो पीछे का दरवाज़ा खुला था, अलमारी पूरी बिखरी हुई पड़ी थी। अब चोरी के तो कोई कारण नहीं होते, थोड़ी बहुत असावधानी के चलते चोरियाँ हो जाती हैं, और लेकिन चोर इतना दुस्साहस कर रहे हैं ये बड़ी बात है। और सिवनी पुलिसिंग के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क भी है ये कि ऐसा क्यों हो पा रहा और इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है। जिला मुख्यालय के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो चोरियां हुई हैं, काफ़ी चोरियों में हमने बरामदगी की है, मुजरिमों को भी पकड़ा है। कुछ चोरियाँ जो रह गई हैं उसमें टीम लगाई गई हैं, नवागत पुलिस अधीक्षक द्वारा बीट सिस्टम को सक्रियता के साथ इसमें लगाया गया है। इसके अलावा थाना क्षेत्रों के निगरानी बदमाश, माफी बदमाश, सजायाब और संपत्ति संबंधी अपराधियों की पतारसी और उनकी जांच तलाश की जा रही है। क्या आपने अभी जानकारी दी है कि दर्जनों चोरियां हुई है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बैठा था तो प्रशासन साथ बैठा था, हमने उनको रिव्यू करके रिपोर्ट करने को बताया है, क्योंकि चोरियां नहीं होनी चाहिए, प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए।